वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु, अ स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मौर्य। और फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमें कमेंट्स आए हैं कि लोग कुछ चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस और उन्हें बना करके उन्हें दिखाए जाए कि किस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं, तो उसी वीडियो के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं किस प्रकार से, अगर एक्शन हो रहा है, एक्शन कंटिन्यू है, तो वो टेंस भी कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पर 10 सेंटेंसेस जो देख रहे हैं, हम इन्हें अभी ट्रांसलेट करते हैं हिंदी के साथ अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए, इन सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि किस तरह से ये कंटिन्यू है, किस तरह से सेंटेंसेस के जो हमने पिछले वीडियो के साथ में देखा है, हमने लिंक शेयर किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईएनजी के नियम होते हैं, पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में किस तरह से अलग अलग पहचाना जा सकता है, किस तरह से देखा जा सकता है। आप उस सेंटेंसेस को कि हमारे पिछले वीडियो के साथ में जरूर देखिए, सामने अपनी नोटबुक को रख लीजिए, पहचान और जितने भी प्रकार के नियम होते हैं आप उन्हें रख लीजिए। और हम इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हमने मॉडल भी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हिंदी के जो सेंटेंसेस अभी आपने देखा है उन्हें नोट करके हम अभी आपको उनके अंग्रेजी के अनुवाद दिखाते हैं। और हमने मॉडल के सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस, डेली पैटर्न के सेंटेंसेस जो बना करके प्लेलिस्ट में आपके साथ सेव करके रखा है, उन्हें आप देख लें, उनको भी सीखते जाएं, उनको शेयर करें। तो हमने आपको जो अभी हिंदी में आपने जो सेंटेंसेस देखा उन्हें मिला लीजिए। अगर आपने कोई सेंटेंस मिस किया है तो उसे से आप वीडियो को रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा। हम इसके अंग्रेजी के अनुवाद आपके साथ पढ़ते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो होंगे आपको वो खुद बनाने होंगे। इस बार आप प्रैक्टिस हमारे पिछले वीडियो के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं जल्दी जल्दी आपके अनुवाद को। आप हिंदी के एक एक सेंटेंसेस के साथ में मिलाते जाइएगा। वी आर पुशिंग द ट्री, सी इज इंट्रूडिंग टू मी, हीरो इज इंटरफेयरिंग इन द स्टोरी ऑफ फिल्म, इट इज डाउनिंग, डाउनिंग माने सुबह होना, फार्मर्स आर गोइंग ऑन द फील्ड्स, सी इज चर्निंग द वे, यहाँ पर वे माने मठा, चर्न माने मथ रही है, अदर्स आर लुकिंग, माई ब्रदर इज प्रिटेंडिंग, पापा इज लाइंग, ही इज फीलिंग टायर्ड, पापा जी लेटे हुए हैं, उन्हें आज थकावट हो रही है, द रॉबर्स आर हाइडिंग इन द जंगल्स, जंगल में लुटेरे छिपे हुए हैं, पुलिस आर सर्चिंग फॉर देम, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, दे आर होल्डिंग शॉप्स इन द मार्केट, वी आर आस्किंग हिज वेल बींग, हम उनके हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये आपने हिंदी के जो 10 सेंटेंसेस फ्रेंड्स अभी देखे, उनके हमने अंग्रेजी के साथ में ये अनुवाद किए हैं। आप इन्हें पढ़ते जाएं, जितना पढ़ते जाएंगे आपके आईएनजी के पैटर्न भी आईएनजी के नियम से ही होते जाएंगे। और कब हमें किस तरह के सेंटेंसेस आईएनजी और प्रेजेंट इंडेफिनिट या अलग अलग सेंटेंसेस के साथ बोलना चाहिए आप वो समझ पाएंगे। तो आप इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो बनाए हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपने किस तरह से उन्हें बनाया, हमें कॉमेंट बॉक्स में करें, ईमेल के साथ करें। और हमने आगे आपके लिए जो होमवर्क रखा है वो देखें। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंसेस के हिंदी और अंग्रेजी को फिर से देख लें। हम आगे बढ़ते हैं और आप अगर कोई सेंटेंस मिस करते हैं तो वीडियो को फिर से एक बार रीस्टार्ट करके देख लें। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस प्रकार के सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में रखा हुआ है। और हमने जो पहले वीडियो आपके साथ शेयर करा है आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि हमने किस तरह के सेंटेंसेस आपको दिया है। और आज जो इस वीडियो में हमारे पास है आपके लिए होमवर्क है, उस होमवर्क को आप नोट कर लें। और हमने उसी तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं। आज हमने जो इस एंड में आपको सेंटेंस दिया है, ज़्यादातर सेंटेंसेस हमारे आप देखेंगे हमने बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया है, पहना है, छिपा है, इस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं हमने। रहा रही वाले सेंटेंस इस होमवर्क में आपके लिए कम रखा है, क्योंकि हमारे हिंदी में जो सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारे हिंदी के होते हैं, हम बैठा है, खड़ा है, सोया है, लेटा है, पहना है, लटका है, इस तरह के सेंटेंस हम भी बोलते हैं जो हमारे हिंदी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं। अंग्रेजी में उस समय हमें आईएनजी के पैटर्न के साथ, नियम के साथ बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरे सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए, नोट करिए। हिंदी के साथ जो आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप अपने आंसर हमारे साथ जरूर शेयर करिए ताकि हम आपके साथ में इस तरह के होमवर्क भी देते हुए वीडियो बना पाएं और आप सीखते चले हमारे साथ में इंग्लिश। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर आप एक्शन कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले एक्शन के साथ में टेंस समझना सीखते जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए और वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं। Keep watching Saral English Guru, a step towards English world. Subscribe our channel, like and comment, press bell icon so that you can get latest video. Share your knowledge with us, make your group larger and better. Thanks for watching. Bye-bye.